Hi guys, what's up? How are you guys doing? Welcome back to my channel or welcome if you are new here. My name is Dipanita. Before we get started, let me just quickly tell you guys that इस look की tutorial मैंने already upload कर दी है. मैं iCard पर link दे दूँगी, आप लोग please वहाँ से एक बार check कर लीजिएगा. Now today's video is going to be a purple haul. Now the thing is, I was planning to do this video a month ago, but I got stuck in few things, like in some personal issues. Then I started that series which I have stopped actually. Now today's video is going to be extremely interesting because बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं है, काफ़ी कम प्रोडक्ट्स है, बट कॉम्पैक्ट है. मीन जो भी प्रोडक्ट्स है सारे एसेंशियल्स है एंड कुछ न्यू स्टफ्स है जो कि मुझे ट्राई करनी थी, दैट्स वाई मैंने ली है. नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड टू नो व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स आई गॉट माई सेल्फ, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. So the first product that I have is this Viamay Veda Neem and Tea Tree Acne Care Face Wash. Now I have tried the Sofree Mridul Calming Face Wash before and मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी वो, but the problem is कि वो powder form में आती थी, तो हर बार use करने से पहले मुझे water या तो rose water mix करनी पड़ती थी and then apply करनी पड़ती थी, and जब मैं थोड़ी सी जल्दी में रहती थी तब थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाती थी. So yeah, but बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट थी वो, एंड वायम आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत पसंद आती है क्योंकि वो लोग जो भी क्लेम करती है दे एग्जैक्टली डू दी सेम थिंग्स. मैंने इसको अभी तक बस दो तीन बार ही यूज़ की है तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बट एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि ये ना स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं कर देती है, ऑयल कंट्रोल करती है बट स्किन को एक्सट्रीम लेवल की ड्राई नहीं बना देती है, जो कि मेरे लिए ग्रेट है क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है. तो अगर मेरी स्किन यू नो बहुत ज़्यादा मैट हो जाएगी या तो ऑयल फ्री हो जाएगी तो फिर और भी ज़्यादा मेरी स्किन फ्लेकी दिखती है. So yeah, that's the first product. Next I have this bath oil from, sorry, body oil from Biotic, and this is the Biotic Bio Carrot Seed Anti-Aging After Bath Body Oil. मैंने ये माँ के लिए ली थी क्योंकि उनको बॉडी ऑयल से उसका ना बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड ये ना बहुत ही अफोर्डेबल है, लाइक 135 रुपीज़ की है फॉर 120 ml ऑफ प्रोडक्ट. एंड इसकी स्मेल, ओह माय गॉड, इतनी अच्छी है ना, मैं काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है, स्किन को बहुत देर तक हाइड्रेटेड रखती है. नेक्स्ट मैंने ली है ये सोप बार जो कि है गुड वाइब्स की, एंड ये है गुड वाइब्स की एक्टिवेटेड चारकोल डिटॉक्स हैंडमेड सोप बार. इसके पहले मैंने लिक्विडाइज सोप बार ट्राई की थी जो कि बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी की है. आई मीन इन इसमें आप लोगों को टोटल 3 सोप बार्स मिल जाती है एंड इसकी प्राइस ₹199. तो मैंने ऑलरेडी लिक्विडाइज ट्राई कर ली थी तो मैंने सोचा कि इस बार चलो कोई और वेरियंट के ट्राई करते हैं. तो ये कुछ ऐसी दिखती है. तो एलोवेरा मिल जाती है, देन विजम कोल्ड प्रेस ऑयल है, ऑर्गेनिक वर्जन कोकोनट ऑयल है, देन स्वीट आमंड ऑयल है, चारकोल पाउडर है, चेरी ब्लॉसम एसेंशियल ऑयल है. तो बहुत सारे यू नो वर्किंग इंग्रेडिएंट्स है इसमें. नेक्स्ट मैंने ली है ये क्लेंजर फ्रॉम सेटाफिल, एंड दिस इज द सेटाफिल ऑयली स्किन क्लेंजर फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. मैंने ये पहले ट्राई किया है, सो नथिंग न्यू फॉर मी, एंड ग्रेट फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. आप इसको मेकअप रिमूवर की तरह यूज कर सकते हो, आप इसको डेली क्लेंजर की तरह यूज कर सकते हो, एंड स्किन से ना एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करती थी विदाउट ड्राइंग आउट योर स्किन. नेक्स्ट है एक बहुत ही छोटू सा प्रोडक्ट जो कि अल्ट्रा अफोर्डेबल है, एंड वो है ये एल्ब्स गुडनेस की रोज वाटर, एंड दिस इज आई थिंक माई सेकेंड और थर्ड बॉटल. आई मीन अगर आप मेरी लास्ट पर्पल हॉल वीडियो देखते हो तब भी मैंने ये प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाई थी, एंड मैंने दोबारा से ली है क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी की है, एंड यू नो आप इसको DIYs में यूज़ कर सकते हो, फेस पैक्स में यूज़ कर सकते हो. सो मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है. आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द स्किन केयर प्रोडक्ट्स. लेट मी जस्ट क्विकली चेक. नो, आई हैव वन मोर थिंग इन द स्किन केयर कैटेगरी, दैट इज अ लिप बाम फ्रॉम द ब्रांड पर्पल, एंड दिस इज द पर्पल चाइल्डहुड बेस्टीज अ लिप बाम. ये कुछ ऐसे दिखती है, इसकी पैकेजिंग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है, एंड ये वैनिला वेरिएंट की है, और भी बहुत सारे वेरिएंट्स है, अगेन आप लोग चेक कर लीजिएगा अगर आपको और कोई लेनी हो. दैट्स ऑल फॉर द स्किन केयर प्रोडक्ट्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेकअप प्रोडक्ट्स. मेकअप प्रोडक्ट्स थोड़ी बहुत है. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव इज दिस मेबलिन सुपरस्टे फाउंडेशन इन द शेड 312 गोल्डन. मैंने आप लोगों को आई थिंक मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताई थी कि जो मेबलिन की फाउंडेशन मैं यूज़ करती हूँ वो मेरे स्किन टोन पर बहुत ज़्यादा लाइट है. वो 128 शेड है जो कि डेफिनेटली मेरी स्किन टोन की नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट है मेरे स्किन टोन पर. सो दैट्स वाई मैंने ये मेरी स्किन टोन की ले ली है. नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज दिस पर्पल पावर कपिल 2-in-1 ब्रॉन्जर जो कि न्यू लॉन्च है आई थिंक. तो इसमें आप लोगों को दो शेड्स मिल जाती है. ये आई थिंक हाइलाइटिंग शेड है एंड ये ब्रॉन्जिंग शेड है, बट द थिंग इसके जो ब्रॉन्जिंग पाउडर है ना वो बहुत ज़्यादा शाइनी है. लाइक मैं आप लोगों को स्वच करके दिखाऊँ, लाइक सी थोड़ी बहुत शाइनी है बट एक्सट्रीमली पिगमेंटेड है. आई मीन गस कैन सी. नेक्स्ट आई हैव दिस फेस पैलेट फ्रॉम फेसेस कैनेडा, एंड दिस इज द फेसेस कैनेडा अल्टाइम प्रो फेस पैलेट 3-in-1 हाईलाइटर ब्राउजर एंड ब्लश.
शेड नेम ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, प्लस सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। सो प्लीज़ वहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा। मैंने ये ऑलरेडी एक दो बार यूज़ की है एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट गाइज। आई मीन एक्सट्रीमली पिगमेंटेड है, यू नो क्या बोलते हैं उसको, ब्लेंड हो जाती है इजिली। सो अगर आप बिगिनर हो, कोई अच्छी क्वालिटी के फेस पैलेट ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है बट वर्थ इन्वेस्टमेंट है। जो ब्लश शेड है वो थोड़ी सी शिमरी है बट अप्लाई करने के बाद उतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती है। नेक्स्ट आई हैव दिस प्राइमर फ्रॉम लॉरियल एंड दिस इज़ द बेस अमर्जिक ट्रांसफॉर्मिंग स्मूथनिंग प्राइमर। मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं की है तो यूज़ करके मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी। नेक्स्ट आई हैव दिस लिपस्टिक फ्रॉम मेबेलिन एंड दिस इज़ द सुपरस्टे मैट इंक लिपस्टिक इन द शेड 120 आर्टिस्ट। इन लिपस्टिक्स की प्रॉब्लम बस एक ही है कि ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, बट जब ड्राई हो जाती है तो आप खाओ कुछ भी करो लिपस्टिक रिमूव नहीं होगी। ओके, देन आई हैव दिस कंसीलर फ्रॉम लॉरियल एंड दिस इज़ द लॉरियल इनफैलिएबल फुल वेयर कंसीलर एंड 317 आमंड। फुल कवरेज कंसीलर है एंड क्रीज नहीं होती, इंस्टेंटली सेट हो जाती है, बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी। देन आई हैव दिस आईब्रो पेंसिल फ्रॉम स्टेकोकी एंड दिस इज द स्टेकोकी ब्राउ एंड टू बी वाइल्ड। ओके, आईब्रो पेंसिल इन द शेड ऑफ फेरल ब्लैक 1। मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं की है तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। ये रिट्रैक्टेबल नहीं है सो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई है। देन आई हैव दिस 3 नेल पेंट्स फ्रॉम स्टेकोकी और एक कहाँ है। ओके, देन आई हैव दिस 3 नेल पेंट्स फ्रॉम स्टेकोकी, दिस इज द स्टेकोकी नेल पॉलिशेज। ये दोनों ग्लॉसी फॉर्म में है एंड ये मैट फॉर्म में है एंड ये वाली शेड मैं अभी पहनी हुई हूँ, मैट फॉर्म में आती है। लास्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव इज दिस आई शेडो पैलेट फ्रॉम मेबेलिन एंड दिस इज द ब्लश न्यूड्स आई शेडो पैलेट। ओके, मैंने आज तक मेबेलिन की कोई भी आई शेडोज ट्राई नहीं की थी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बट मुझे ये उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है टू बी ऑनेस्ट। पिगमेंटेड है, आई मीन यू गाइस कैन सी, बट जो शेड्स है ना वो मैट नहीं है। आई मीन 2-3 शेड्स मैट है, बाकी सारे शेड्स शिमरी हैं। सो या दैट्स ऑल, आई रियली होप यू गाइस एंजॉय टुडेज वीडियो। सारे प्रोडक्ट्स की परचेज लिंक्स एंड शेड नेम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी तो प्लीज़ वहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस पर्पल हॉल वीडियोज देखनी हो तो फिर मैं आई कार्ड पे या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगी, आप लोग प्लीज़ वहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे प्रिटी, बाय।